5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? प्रधानमंत्री का ये बयान 10 अगस्त का है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को ही घेरा था। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अत्याचार किया है। इसके बाद पीएम की बात को बीजेपी का आईटी सेल भुनाने में लग गया और यही करते हुए आईटी सेल से एक चूक हो गई। दरअसल आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एबीपी न्यूज का ही एक वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राजेश पायलट ने ही मणिपुर पर बॉम्ब गिराए थे। उन्होंने लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी इज़वाल पर बम गिराए थे। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बनाए गए। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। उनके इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट तुरंत अपने पिता के बचाव में आए और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा की गई रिसर्च की पोल खोल दी। सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अमित मालविया आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पिता ने मिजोरम नहीं पाकिस्तान पर बम गिराए थे। श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक, तथ्यहीन और पूरी तरह से भ्रामक है। लेकिन हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के तौर पे मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद। सचिन पायलट ने एक प्रूफ के तौर पर बकायदा एक लेटर भी शेयर किया। लेकिन बात यहाँ ये समझने वाली है कि आखिर बीजेपी के आईटी सेल के हेड से ये चूक कैसे हो गई? क्या चुनावी मौसम में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरने के चक्कर में बीजेपी की आईटी सेल की रिसर्च विंग हल्की हो गई है? खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।